गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन वर्कशीट करेंगे। रिवीजन वर्कशीट में जो इस वीक हमने सब्जेक्ट पढ़े थे उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पे आपको अंडरलाइन करना है। नंबर वन, दे वॉक्ड अप द स्टेयर्स। अप इसमें प्रीपोजिशन है। शी लुक्ड अंडर हर बेड, उसने अपने बेड के नीचे देखा, अंडर। He swam across the river, across नदी के पार। The dog was in the park, in जो कुत्ता है वो पार्क के अंदर है। The birds are flying in the sky, इसमें भी in हमारा preposition है। उसके बाद next है word meaning, imagine, imagine मतलब होता है कल्पना करना। Trick तरकीब, tremendous बहुत बड़ा, younger छोटा, रियलाइज्ड महसूस करना, इन्फॉर्म्ड सूचित करना। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में शब्दार्थ, प्रदान देना, शिशु अबोध बच्चा, ठग धोखा देकर लूटने वाला, लोटपोट होना मतलब बहुत हंसना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में आए ऐसे शब्द पर गोला लगाइए जो संज्ञा नहीं है, जैसे पाठशाला, बुरा, भवन, शहर। इसमें से हमारा बुरा शब्द है, ये संज्ञा नहीं है, तो इस पर हमने गोला लगा दिया। इस तरह से आपको इन बाकी सब में पढ़ के जो संज्ञा नहीं उन पे गोला लगाना है। पेड़, पक्षी, पहाड़, गिरना, मोर, पुस्तक, काला, पेंसिल, ठंडा, जलेबी, चावल, थाली। उसके बाद है ईवीएस में। ईवीएस में हमने चैप्टर 20 रीड किया था, क्लीन वाटर, उसी के टिक द करेक्ट ऑप्शन करने हैं। नंबर वन, वी शुड ड्रिंक, हमें कैसा पानी पीना चाहिए, डर्टी वाटर या क्लीन वाटर? क्लीन वाटर। इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक इसमें से कौन सी है, कैनाल या रिजर्वायर? रिजर्वायर। नंबर थ्री, ऑल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड व्हेन इट इज, पानी में जितने भी जीवाणु हैं वो सब मर जाते हैं जब उसको क्या किया जाता है, फ्रीज्ड, जमा दिया जाता है फ्रिज में, या बॉयल्ड, उबाला जाता है, बॉयल्ड। नेक्स्ट मैथ में करना है आपको HCF की वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे। HCF की वर्ड प्रॉब्लम आपको कैसे करनी है, इसका एक एग्जांपल आप समझ लीजिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 75 एंड 120 एग्जैक्टली, आपको वो बड़ा नंबर बताना है जो 75 और 120 दोनों से ही एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 70, सबसे पहले 75 के जो फैक्टर्स हैं उनका हम प्रोडक्ट लेंगे। 75 के फैक्टर्स हैं हमारे 3 × 5 × 5 प्राइम फैक्टर्स के लेंगे। उसके बाद जो 120 है उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 120, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर हैं 75 के और 120 के, उनमें से कॉमन लेन, उनका कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर आपको लेना है, मतलब जो दोनों में ही कॉमन हो, जैसे कि 3 और 5 दोनों में ही कॉमन है, 3 × 5, तो इनका कॉम जो इनके जो आए हैं कॉमन फैक्टर उनका प्रोडक्ट आपको लेना है, यानी कि 3 × 5 आपको करना है, कितना आएगा 15। तो अब क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 75 एंड 120 कितना आएगा हमारा, 15। इस तरह से आपको ये आंसर निकल आएगा, 15 इज द ओनली ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 75 एंड 120 एग्जैक्टली। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 45 एंड 108 एग्जैक्टली, आपको वो नंबर बताने हैं जो 45 और 108 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या करना है, जैसे अभी आपको ये वाला समझाया था, इसी तरह से आपको इसमें 45 के प्राइम फैक्टर लेना है और फिर उसका प्रोडक्ट, और ऐसे ही फिर
108 का, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 156 एंड 216 एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू।